Hello everyone, good morning, pranam, namaste, nisavanne, welcome and welcome back to my YouTube channel. Sabhi ko ek bar phir se Sanjog Rai Vlogs mein swagat hai. To aaj subah subah utne ke baad mein thoda bahut nahaa dhoa ke fresh up ho gaya, logon se baatein karne ka hua man hua. To aap log pata hi hai ki abhi winter season chal raha hai, to sabse bada homework hota hai ki subah uth ke nahana. हमको भी यही लगता है, मगर फिर भी नहीं नहाएंगे तो फिर सारा का सारा दिन मतलब कि शरीर फ्रेश नहीं होगा. तो इसीलिए हम सुबह उठ के नहा के आप लोगों से यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ. तो आज सैटरडे है और एक और आप लोगों से बात हम कहना चाहते हैं कि अभी के समय में सारा का सारा वर्ल्ड में एक फीवर चल चुका है कि अभी वर्ल्ड कप फीवर कतार में वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है. तो हर एक लोग इस वर्ल्ड कप में मतलब कि अपना अपना टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. स्पेशली मैं अर्जेंटीना का सपोर्टर हूं और आप लोग किस टीम का सपोर्ट इस वर्ल्ड कप में कर रहे हैं कमेंट के थ्रू हमको बोल सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है जो जिसको मतलब कि किंग ऑफ गेम्स बोला जाता है, कि वो खेल का एक राजा बोला जाता है फुटबॉल को. तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टेड है फुटबॉल में, और जब भी हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो हम अपना स्कूल में हर एक फुटबॉल टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट करते थे. तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग भी अपना स्कूल में सैटरडे को एक्टिविटी रखा है, और आज हम लोगों का स्कूल में इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट जूनियर का हम लोग रखे हैं. और जूनियर मतलब कि जिसका हाइट 4 फीट 8 इंच से जो कम है, मतलब कि उन लोगों के लिए आज मौका है स्कूल में फुटबॉल खेलने का. तो हर एक हाउस का जितना भी टीम मेंबर है बहुत ही एक्साइटेड है, स्पेशली द जूनियर वन बहुत ही एक्साइटेड है. और बहुत सारा बातें कल भी हो रहा था कि हम इस तरह से अपने खेलेंगे, इस तरह से खेलेंगे. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि हम जाके अब बच्चों लोगों को हम फुटबॉल कराएंगे, खिलाएंगे ग्राउंड में. तो हम लोग पास में 4 हाउस, आप लोगों को पता ही है कि नेताजी हाउस, नेहरू हाउस, पटेल हाउस और गांधी हाउस, हम लोग पास में 4 हाउस. 4 हाउस का ईच एंड एवरी मेम्बर बहुत ही एक्साइटेड है फुटबॉल के लिए. तो मतलब कि यही है कि बच्चों लोगों को मेंटली साथ साथ में फिजिकली हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी है, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग का स्कूल बहुत सारा ऐसा काम कर रहा है जो बच्चों लोगों को हर एक चीज़ में मतलब कि एक हिंदी में कहावत है सर्वांगीण विकास, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है. इस नज़र के ध्यान में रखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं. तो आज जाएंगे स्कूल, और स्कूल जाने के बाद में आफ्टर लंच वो एक्टिविटी कराएंगे. तो आप लोगों को भी मैं सजेशन देता हूँ कि आप लोग भी फिजिकली साथ साथ में मेंटली दोनों को प्रिपेयर करके अपना लाइफ को आगे बढ़िए, क्योंकि मेंटली साथ साथ में फिजिकली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में. तो अभी हम जाएंगे स्कूल, और स्कूल जाने के बाद वहाँ पर आज का एक्टिविटी कराएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे. आज का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेगा, और मैं संजोग राय ब्लॉग्स इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट आप लोग को देने का प्रयास करेंगे. तो जाते हैं अपने स्कूल, तो चलते हैं, और उसके बाद में वहाँ पर जाके वो एक्टिविटी कराएंगे. तो सो आपको सबको लेके जाएंगे, सो लेट्स प्ले फुटबॉल. तो अभी हम यहाँ पर ग्राउंड में आ चुके हैं, और आज का एक्टिविटी यहीं पर होगा, और यहाँ पर हम मेरा स्टूडेंट्स लाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि लाइनिंग भी बहुत ज़रूरी है, और चुना लगा के लाइनिंग कर रहे हैं. और थोड़ी देर में यहाँ पर आपका मैच होने वाला है, और सबसे पहले फर्स्ट मैच नेताजी वर्सेस पटेल हाउस, एंड सेकेंड मैच गांधी हाउस वर्सेस नेहरू हाउस. तो आप लोग रेडी रहिए, और यहाँ पर थोड़ी देर बाद में महामुकाबला होने जा रहा है. और अभी मैं आप लोगों को मेरा फर्स्ट सुबह का भी वीडियो में बोला था कि अभी फुटबॉल फीवर होने के कारण से बच्चों लोग भी एक्साइटेड है और हम भी एक्साइटेड है. तो मिलते हैं थोड़ी देर में जब यहाँ पर सब लोग आ जाएंगे. तो लेट्स वॉच, आज का वीडियो भी अच्छा होगा, आप लोग देखते रहिएगा. तो अभी यहाँ पर दोनों टीम एकदम रेडी है अपना गेम के लिए. व्हिच हाउस दिस वन? पटेल हाउस. ओके, यू आर द गोल कीपर, व्हाट्स योर नेम? यू आर द गोल कीपर ऑफ नेताजी हाउस ना, व्हाट्स योर नेम? अर्पित. दे आर द प्लेयर्स ऑफ व्हिच हाउस? ओके, सो ऑल द बेस्ट. ओके,
next match. Which house is one? Gandhi House versus which house? Nehru House. They are the both of the goalkeeper. What's her name? Himangsu and Roshan. Abhi first match mein Netaji House ne Patel House ko do goal se jeet liya hai aur ye second match hai aur Gandhi House versus Netaji House ke upar. Okay, are you guys ready? Yes sir. Okay, so okay. Abhi yahan par dono house ke player ready hai. So just do introduction. Just go and handshake. Go. Just handshake. Hello, captain. Handshake. Okay, one by one, one by one, one by one. One by one, one by one. Line up line. One by one. One by one. Yes, yes, very good, very good, very good. Handshake it. Yeah, यहाँ पर बच्चे लोग अपना अपने आप को इंट्रोडक्शन करा रहे हैं दोनों, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जिस तरह से हम लोगों को फ्रेंडशिप मतलब कि रखना है, और हम लोगों का मेरा मोटो भी यही है कि बच्चे लोगों को फ्रेंडशिप के थ्रू हम लोग अपना गेम को कराए. ओके, वेरी गुड. और जस्ट जस्ट टेक ए पोजिशन, टेक ए पोजिशन एवरीवन. अभी हाफ टाइम हो गया है गांधी हाउस वर्सेस नेहरू हाउस का, और दोनों का स्कोर 0-0 में है अभी. गांधी हाउस 0 एंड नेहरू हाउस 0, और देखते हैं सेकेंड हाफ में क्या होगा. और अभी सेकेंड हाफ के लिए हम सिटी लगाने वाले हैं यहाँ पर. तो अब सेकेंड हाफ चलेगा, और सेकेंड हाफ को भी आप दिखाएंगे, लास्ट में फाइनल रिजल्ट भी आप लोग दिखाएंगे. और ये जो हाउस में जो जीतेगा उस डायरेक्ट जाएगा फाइनल में. और ऑलरेडी नेताजी हाउस पटेल हाउस को जीत के फाइनल में पहुंच चुका है, और अभी दोनों में डिसाइड होगा. दोनों से जो हाउस जीतेगा वो डायरेक्टली एंट्री करेगा फाइनल में. और फाइनल राउंड नेक्स्ट वीक को हम लोग कराएंगे. तो अभी टाइम का कमी होने के कारण से अभी आज नहीं करा पा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होगा. और आप लोगों को दिखा दी जाएंगे, और उन लोगों का गेम भी दिखा दिया. बहुत ही एक्साइटेड है ये लोग भी, और हम भी अच्छा लग रहा है हम लोग को इन लोगों को खिलाने के लिए. तो अभी देख रहे हैं इन लोगों का स्ट्रेटजी क्या है, टीम प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे वो भी. ओके, नेहरू हाउस का टीम प्लान हो गया है, और उधर गांधी हाउस का मैनेजर मिस्टर फैजर मैन अपना टीम को गाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर गांधी हाउस का टीम मैनेजर फैजर मैन अपना टीम को देख रहे हैं, और आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर. तो ठीक है, अभी नेक्स्ट सेकेंड हाफ का मैच हम लोग चलाएँगे, तो देखते रहिएगा. सेकेंड हाफ में भी यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पाया, और अभी हम लोग जा रहे हैं पेनल्टी के लिए. और पेनल्टी में 3-3 शॉट ईच, नेहरू हाउस 3 शॉट एंड
गांधी और थ्री शॉट, और थ्री शॉट में डिसाइड हो जाएगा कि आज का विनर और आज कौन सा हाउस का बच्चा कहाँ पर जाएंगे फाइनल में ना। ओके, तो फाइनल में जा सकता है, तो देखते हैं कौन कौन सा हाउस का टीम जाएगा फाइनल में। तो अभी आप लोग थोड़ी देर में पता चलेगा, तो देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेनल्टी शॉट करने वाला है हम लोगों का नेहरू हाउस का, व्हाट्स योर नेम? शैलेश कुमार। और यहाँ पर डिफेंस के लिए गांधी हाउस का रेडी है। ओके, सो फर्स्ट शॉट नेहरू हाउस ने मार लिया है, नेहरू हाउस का जो शॉट था गांधी हाउस गोल कीपर ने सेव कर लिया। फर्स्ट शॉट मारे गांधी हाउस का, व्हाट्स योर नेम गांधी हाउस? रवि रंजन कुमार। ओके, रेडी? सेकेंड शॉट कर रहा है, रुको रुको, वेट, सेकेंड शॉट फ्रॉम नेहरू हाउस, व्हाट्स योर नेम? ऋषिराज रेजी। ओके, सेकेंड शॉट फ्रॉम गांधी हाउस, व्हाट्स योर नेम? मुन्ना पांडे। ओके मुन्ना, रेडी? ओके, सो दिस इज द फाइनल शॉट। यदि नेहरू हाउस इस शॉट को गोल में चेंज कर देगा तो नेहरू हाउस और गांधी हाउस बराबर हो जाएगा, और यदि गोल नहीं किया तो डायरेक्टली गांधी हाउस विनर बन जाएगा। तो ये डिसाइड शॉट है, व्हाट्स योर नेम? अंकित कुमार। ओके अंकित, रेडी करियो। पहुंच चुका है सीधा फाइनल में, फाइनल नेक्स्ट सैटरडे फाइनल। ओके, तो आज आप लोगों ने देख ही लिया अभी का सेकेंड मैच में गांधी हाउस बनाम नेहरू हाउस था, जिसमें से गांधी हाउस पेनल्टी शूट आउट में जीत के अब सीधा फाइनल में पहुंच चुका है। और फाइनल अभी होगा हम लोगों का बिटवीन नेताजी हाउस वर्सेस गांधी हाउस। तो ये नेक्स्ट सैटरडे का एक्टिविटी हम कराएंगे। तो अभी आज अच्छा लगा, अभी हम ग्राउंड में हैं, अभी हम जाएंगे अपना रूम में, और रूम में जाने के बाद में वहाँ पर आप लोग कुछ बातें करके आज का ब्लॉग इन करेंगे, तो देखते रहिए। तो अभी मैं अपना रूम में आ चुका हूँ, और आज स्कूल में जो भी एक्टिविटी कराया आप लोगों ने देख ही लिया, और बहुत सारा मतलब कि ग्राउंड में रहने के कारण से थकावट भी बहुत सारा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बातें करके आज का मैं ब्लॉग इन करूँगा। तो आज आप लोगों ने देख लिया बच्चों लोग किस तरह से एक्साइटेड थे फुटबॉल के लिए, बच्चा लोग को मुँह से बहुत सारा ऐसा बातें सुनने को मिला, और मुझे ये बनना है, मुझे इस तरह का प्लेयर बनना है। तो मुझे मेरा वीडियो के थ्रू मेरा गार्जियन साथ साथ में जितना भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी सुझाव देता हूँ कि अपना लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई बच्चा गेम में बहुत अच्छा होता है, तो कोई बच्चा सिंगिंग में, डांसिंग में, तो ये सब चीज़ के विषय में भी हर एक गार्जियन को देखना है कि मेरा बच्चा कौन से फील्ड में आगे बढ़ रहा है, कौन से फील्ड में आगे जा रहा है, तो आप लोगों को देखना जरूरी है। ये चीज़ को भी लैग नहीं करना है, किस चीज़ को भी पीछे नहीं करना है, हर एक लोगों को इस चीज़ में आगे रहना बहुत ज़रूरी है। और आज अच्छा लगा बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना, साथ साथ में जो मैंने बच्चों को सिखाया बच्चों लोग कि अच्छे से किसी लोग सीख रहे हैं, अच्छा लगा। तो आप लोग कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में बोल सकते हैं। तो मैंने जो भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देते रहेंगे। अभी बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, और लास्ट में हम एक ही वर्ड बोलना चाहते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो बाय बाय अगेन।